हे गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन के चलते फिल्म मेकर्स अपनी आने वाली फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे ही अपकमिंग मूवीज हैं जो इस साल के आखिर तक रिलीज हो सकती हैं। आइए देखें उनके अमेजिंग पोस्टर्स। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी कूली नंबर वन, जिसमें मेन लीड करेंगे नन अदर देन वरुण धवन। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी रैम्बो, मेन लीड में होंगे टाइगर श्रॉफ। रणवीर स्टारर 83, जिसका डायरेक्शन किया है कबीर खान ने। करण मल्होत्रा की फिल्म शमशेर, मेन लीड में होंगे रणबीर कपूर। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी में मेन लीड करेंगे अक्षय कुमार। गंगूबाई काठियावाड़ी का डायरेक्शन किया है संजय लीला भंसाली ने और मेन लीड में है आलिया भट्ट। रंजीत तिवारी के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम। अनीस बाजमी की भूल भुलैया 2 में मेन लीड में है कार्तिक आर्यन। इसके बाद अद्वित चंदन द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में मेन लीड में है आमिर खान। फरहाद सामजी की बच्चन पांडे की मेन लीड में है अक्षय कुमार। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनी सलमान खान स्टारर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। डायरेक्टर राधा कृष्णन की राधे श्याम, जिसमें मेन लीड करेंगे प्रभास। इसके अलावा कुछ आने वाली फिल्में हैं जिनकी शूटिंग अभी जारी है, उनमें से कुछ है रणबीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र, सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी बाग की बंटी और बबली 2, ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की खाली पीली, कार्तिक आर्यन जानवी कपूर और लक्ष्य की दोस्ताना 2, अक्षय कुमार सारा अली खान और धनुष की अतरंगी रे। आपको ये पोस्टर्स और मूवी कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बॉलीवुड की डीप इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बॉलीवुड ओशियन स्टोरीज ऑफ बी टाउन।